की पत्री उसका अध्याय पहले वचन को पढ़ रहा हूं इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है प्रिय यदि आप उद्धार पाए हैं तो और यदि आपने अपने पुराने और गंदे जीवन को छोड़ दिए हैं तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे जानते हैं आप जिस हाल में हैं उसी हाल में अपने आप को परमेश्वर को सौंप देंगे समर्पित कर देंगे प्रियो सोने का आभूषण आपके पसंद के डिजाइन में यदि उसे तैयार करवाना है तो उस सोने को क्या करना है बताइए विश्वास के साथ सोनार के हाथ में देना है एक सोनार को पूरी रीति से सोना दिए बिना एक टेलर को पूरी रीति से कपड़ा दिए बिना एक चप्पल सिलने वाले को पूरी रीति से चप्पल दिए बिना डॉक्टर के पास जाकर यदि आप पूरी रीति से उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा आपके चप्पल सिले नहीं जाएंगे सोना एक रूप में नहीं आएगा और शर्ट सिला नहीं जाएगा वैसे ही यदि आप अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु को नहीं सौंपेंगे तो प्रभु कैसे आपको एक अद्भुत व्यक्ति के रूप में बना पाएंगे बताइए जब मैं अपना जीवन प्रभु को अर्पण किया मैं बचपन में बहुत खाऊ था बहुत खाता था और वैसे ही और बहुत टिप टाप रहना चाहता था हमारे स्कूल में कोई शर्ट इन नहीं करता था मैं करता था हमारे स्कूल में कोई सनग्लास नहीं पहनते थे लेकिन मैं अकेला ही सनग्लास पहना करता था मैं बत्तीस तैतीस साल के पहले की बात बता रहा हूं उन्हीं दिनों में ऐसे चश्मे आ चुके थे धूप में जाने से काले हो जाते थे अंदर आने से सफेद हो जाते थे बहुत ही स्टाइल से रहता था मैं बाजू में नाई की दुकान थी उसके पास बार बार जाकर पाउडर लगाने से वो लगाने देगा क्या इसलिए मैं अपने पॉकेट में एक पाउडर पैकेट रखता था एक पॉकेट में पाउडर डाल के जाता था एक कंघी लेकर जाता था उस नाई की दुकान में जाकर चेहरे में पानी मारकर पाउडर लगाकर बहुत अच्छे से बाल बनाता था बहुत शौक था मुझे कब जब मैं अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपाता तब प्रियो सुनिए मैंने जब अपना जीवन परमेश्वर को अर्पित किया अपनी इच्छा को प्रभु को सौंप दिया मेरे पसंद को प्रभु को दे दिया मेरे सुख को सुविधा को प्रभु को दे दिया प्रभु अब मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी होना है मेरी शादी होकर लगभग बीस वर्ष हो गए आज तक भी मेरी पत्नी को नहीं मालूम है कि मेरे पसंद की करी कौन सी है कारण जानते हैं जब मैंने अपने प्रभु को अपना जीवन अर्पित कर दिया मैं अपने पसंद को भी सौंप दिया फर्श में सो जाओ कहने से आराम से सो जाऊंगा चटाई में सो बोलने से सो जाऊंगा बेड में सो बोलने से सो जाऊंगा मैं अपने सुख को प्रभु को सौंप दिया प्रियो आप जानते हैं कि मैं नहीं जानता मेरी शादी होने तक मैं कभी भी अच्छे वस्त्र नहीं पहना शादी फिक्स होते तक मैं अच्छे से बाल भी नहीं बनाता था शादी होने तक मैं शट इन नहीं करता था शादी होने तक मैं पेट भर भोजन नहीं करता था इसका कारण जानते हैं बहुत कम उम्र में मैं वचन का प्रचार करना शुरू किया 18 साल की उम्र में ही वचन प्रचार करना मैं शुरू किया मैं बीस इक्कीस वर्ष में ही बड़ी सभाओं में प्रचार करना शुरू कर दिया बहुत से लोग आकर वचन सुनते थे जब मैं तेईस चौबीस वर्ष का था लोग वचन सुनने के बाद बहुत से लोग मेरे पीछे पड़ जाते थे बेटे तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं कहां रहते हैं आपका एड्रेस क्या है ये सब पूछते थे प्रियो लोग सोचते थे लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है सरकारी नौकरी में भी है वचन भी अच्छा प्रचार करता है ये सोचकर मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते थे इसलिए मैंने क्या किया जानते हैं कई वर्षों तक मैं दाढ़ी नहीं बनाया कई वर्षों तक ठीक से बाल नहीं बनाया कई वर्षों तक मैं पेट भर खाना नहीं खाया कई वर्षों तक मैं बेड में नहीं सोया कई वर्षों तक स्वादिष्ट भोजन से मैं दूर रहा कारण जानते हैं मैं स्मार्ट दिखना है सुंदर दिखना है कभी नहीं सोचा अगर ऐसे स्मार्ट और सुंदर दिखाई दूंगा तो कहीं मैं दूसरों के लिए आकर्षित और परीक्षा का कारण ना बन जाऊं वचन प्रचार करते समय मेरी पर्सनालिटी ही मेरे लिए श्राप ना बन जाए यह सोचकर मैं अच्छे वस्त्र नहीं पहनता था प्रिय प्रभु के महान दास जॉर्ज मुलर ने एक अद्भुत पुस्तक को लिखा जब मैंने उसे पढ़ा मेरे जीवन में अद्भुत बदलाव आया उन्होंने पुस्तक में इस तरह लिखा था मैं उन्नीस साल की उम्र में प्रभु को अपना जीवन अर्पित किया लेकिन मेरा कपड़ों के प्रति मोह खाने के प्रति मोह मित्रों के साथ घूमने का मोह सुख के साथ रहना है ऐसा मोह ये सब मेरे जीवन से दूर होने के लिए लगभग पांच छे वर्ष लगे इस तरह वे लिखे ये सब पढ़ने के बाद मुझे क्या समझ में आया कि मेरे जीवन को संपूर्ण रूप से वो आनंद हो सकता है सुख हो सकता है इच्छा हो सकती है पसंद हो सकता है या मेरा शरीर हो सकता है इसे मैं संपूर्ण रूप से परमेश्वर को अर्पित किए बिना मैं क्या हूं मेरा परमेश्वर दुनिया को दिखा सके ये संभव नहीं है मैं जान गया इसलिए मैं अपनी जवानी में मुख्य रूप से टीन एज में सेवेन्टीन एटीन नाइनटीन इस टीन एज में मैं अपने आप को पूरी रीति से मेरे परमेश्वर को अर्पण किया प्रभु मेरी मर्जी नहीं मेरी इच्छा नहीं मेरी चाहत नहीं तेरी मर्जी तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है आप जैसे जीने को कहोगे मैं ऐसे जिया आप जैसे रहने को कहोगे मैं ऐसे रहूंगा प्रियो जवानी में ही परमेश्वर को अपना संपूर्ण जीवन अर्पण करने के कारण परमेश्वर इस नाचीज को आज पूरे संसार को इस तरह दिखा पाए हैं प्रिय भाइयों और बहनों आपको भी परमेश्वर संसार को दिखाना चाहते हैं इसका कारण यह है कि परमेश्वर आपको मोल लिए हैं दाम देकर मोल लिए हैं आप सस्ते बिल्कुल नहीं हैं आप सस्ते हैं बिल्कुल मत सोचिए आप बहुमूल्य हैं आप बहुत कीमती हैं आप कितने कीमती हैं जानते हैं आप कितने बहुमूल्य पुरुष हैं जानते हैं आप कितनी बहुमूल्य स्त्री हैं जानते हैं परमेश्वर ने जब चाहा कि आपको मोल लेना है तब अपने पुत्र को ही देना पड़ा परमेश्वर अपने पुत्र को दिए बिना आपको खरीद नहीं सकते थे आप इतने बहुमूल्य हैं आप इतने कीमती हैं तो इतना हल्का जीवन कैसे जिएंगे? इतने बहुमूल्य व्यक्ति हैं आप क्यों इतने सस्ते विचार रखते हैं क्यों इतना सस्ता व्यवहार करते हैं क्यों इतनी सस्ती बातों को करते हैं क्यों इतना सस्ता जीवन जी रहे हैं आप बहुत कीमती हैं मित्रों ऐसी सस्ती बातें मत कीजिए मान लीजिए कोई कार बहुत महंगी है जैसे पाए वैसे चलाएंगे क्या सोचिए मान लीजिए आप बहुत कीमती वस्त्र पहने हैं जहां चाहे वहां बैठ जाएंगे क्या कहीं भी बैठ जाएंगे क्या वस्त्र महले हो जाएंगे सोचकर अगर बैठने को अच्छा चेयर ना हो स्थान ना हो तो भले आप खड़े रहेंगे लेकिन आप बैठेंगे नहीं क्यों जानते हैं वस्त्र मैले हो जाएंगे फट जाएंगे प्रिय महंगे वस्त्रों को संभालना आपको आता है महंगे वाहन को संभालना आप जानते हैं लेकिन इससे भी कीमती जो आपका जीवन है उस जीवन को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं रक्षा करना है ऐसा विचार आपके मन में क्यों नहीं है एक बार सोचिए मैं और आप बहुत ही कीमती व्यक्ति हैं दाम देकर मोल लिए गए हैं तुम अपने नहीं हो दाम देकर मोल लिए गए हो आइए देखें कुरंतियों की पहली पत्री तीसरा अध्याय सोलवा वचन क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो प्रिय हमारा शरीर हमारा नहीं है कि हम मन मर्जी से जिए हर दिन हमें इससे परमेश्वर को समर्पित करना है क्योंकि सामान्यता हम जानते हैं लोग मंदिरों को अच्छे से साफ करते हैं मंदिरों को हर दिन अच्छे से धोते हैं क्योंकि ये विश्वास करते हैं कि यहां परमेश्वर निवास करता है लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारा देह ही मेरा मंदिर है तो फिर हमें इसे और कितना साफ रखना है परमेश्वर ने हमें मोल लिया और हम परमेश्वर के हैं इसलिए दाम देकर मोल लिए गए हैं इसलिए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर को सौंप दें परमेश्वर चाहते हैं पहला हमें कौन से लक्षण दिखाई देना है जानते हैं समर्पित जीवन प्रियो इस बात को आप याद रखिए आज यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं और परमेश्वर आपको एक उपयोगी पात्र के रूप में नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप जान लीजिए अपना जीवन आपने परमेश्वर को सही रीति से अर्पित नहीं किया है और आपने अपने बातों पर, पर परमेश्वर को अधिकार नहीं दिया है और आपके कमाई पर भी आपने अधिकार नहीं दिया है प्रियो शायद विल्ली संडे थे जब वे बपतिस्मा ले रहे थे प्रियो बपतिस्मा लेते समय क्या करते हैं सब कीमती सामने को बाजू में रख देते हैं लेकिन वे अपने पर्स को पॉकेट में रखे थे और वो पर्स दिखाई दे रहा था तब बपतिस्मा देने वाले ने कहा इसे निकाल लो नहीं तो पैसे भीग जाएंगे नहीं इसे भी बपतिस्मा लेना है किस लिए मैं जब अपने परमेश्वर को अर्पित कर रहा हूं तो मैं अपने आप को ही नहीं मेरी कमाई को भी मैं अपने परमेश्वर को अर्पित कर रहा हूं अब से मैं अपना नहीं हूं दाम देकर बोल लिया गया हूं मैं परमेश्वर से हूं अब मेरा जो कुछ भी है उस पर परमेश्वर का अधिकार है मेरा अब कुछ भी नहीं है यह है समर्पित जीवन प्रियो बहुत से लोग परमेश्वर के पास आकर अपनी अभिलाषाओं और इच्छाओं को जाहिर करते हैं उदाहरण बताता हूं जैसे कि रिश्तों के विषय में बहुतों की समस्या क्या है जानते हैं बेटी का पैंतीस चालीस साल होने के बाद बहुत से माता पिता आकर कहते हैं पास्टर जी हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है विवाह के लिए कोई रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं कहने से मुझे बहुत दुख लगता है उम्र कितनी है पूछने से चालीस साल है अब कहां से रिश्ता आएगा चालीस साल की उम्र होते तक आप अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाए क्या है ये क्या है माता जी ये? पास्टर जी हम प्रार्थना कर रहे थे प्रभु ने कहा क्या प्रार्थना करते रहो बाइबल में क्या है मांगो तो तुम्हें मिलेगा उसके बाद आपको जो करना वो भी है क्या है ढूंढोगे तो तुम पाओगे मांगो परमेश्वर आपको देंगे दूसरा काम भी है ढूंढो तुम्हें मिलेगा ढूंढते नहीं है प्रार्थना कर रहे हैं जी प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रियो फिर से स्मरण दिला रहा हूं परमेश्वर पक्षियों का पोषण कर रहे हैं कि नहीं पोषण कर रहे हैं ना परमेश्वर पक्षियों का पोषण कर रहे हैं लेकिन घोसले में भोजन लाकर दे रहे हैं क्या नहीं प्रियो पक्षियों का पोषण परमेश्वर ही कर रहे हैं लेकिन घोसले में भोजन लाकर नहीं दे रहे हैं इन पक्षियों को ही जाकर ढूंढना है वे जब ढूंढेंगे तब उन्हें भोजन मिलेगा क्योंकि परमेश्वर उनके लिए जो भोजन चाहिए इस धरती में उनके लिए परमेश्वर छिपा रखे हैं किसी पक्षी को भूख से तड़पते हुए आप देखे हैं क्या प्रियो गर्मियों के मौसम में हमारे घरों में बिजली गुल होती है फैन नहीं चलते लाइट नहीं जलते लेकिन घर में जो छिपकिल्ली होती है वो कितनी तगड़ी होती है जानते हैं छिपकली को कभी देखे क्या बहुत कमजोर भोजन के बिना हाँ टीबी हुआ हो एड्स हुआ हो या फिर किडनी खराब हो गया हो कैंसर हो गया हो ऐसा कभी आपने देखा है क्या प्रियो मैं आपसे पूछता हूं क्या आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि जानवर कभी बीमार पड़ा हो पक्षियां कभी बीमार पड़ी हो कभी आपने देखा है क्या कभी देखें तब आप कह सकते हैं क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं ब्रदर पशु बीमार पड़ते हैं ना इसीलिए तो पशुओं के डॉक्टर भी होते हैं पशुओं के हॉस्पिटल होते हैं क्योंकि पशु भी बीमार पड़ते हैं ब्रदर पशु बीमार नहीं पड़ते ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मुझे कहने दीजिए भैंस बीमार होती हैं भेड़ बीमार होती हैं कुत्ते बीमार होते हैं और कोई भी जानवर बीमार नहीं होता कारण जानते हैं उनके बुरे दिन थे इसलिए मनुष्य के हाथ में पड़ गए भैंसों को कौन पालता है मनुष्य नाश हो गए कुत्तों को कौन पालते हैं मनुष्य नाश हो गए बीमारियां भेड़ों को कौन पालता है मनुष्य मुर्गियों को कौन पालते हैं मनुष्य मनुष्य के हाथ में कुछ लग गया समझो उतना क्यों प्रियो ये मनुष्य का हाथ भूल से भोजन में या करी में हाथ लग गया समझो क्या होगा उस भोजन का क्या होगा इस मनुष्य का हाथ लग गया तो समझो भोजन भी सड़ जाता है पापी व्यक्ति छू ली है क्या तुम हो गया मेरा काम अशुद्ध हो गया मनुष्य छू ले तो बस कितना स्वादिष्ट भोजन भी क्यों ना हो सड़ जाएगा इस संसार में जो जानवर उन्हें देखिए वे स्वस्थ रहते हैं पक्षियों को देखिए स्वस्थ रहते हैं पता नहीं क्यों मनुष्य के जीवन में ही बीमारियां समस्याएं हैं कारण यह है कि मनुष्य परमेश्वर के अधीन नहीं हो रहा है मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ रहा है इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों आप अपने आप को परमेश्वर को सौंपने से कितना अच्छा होगा आपके विवाह के विषय में पढ़ाई के विषय में आपके नौकरी के विषय में व्यापार के विषय में परमेश्वर को पूरा अधिकार देने से कितना अच्छा होगा नीति वचन तीन अध्याय छठवा वचन उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा अपना सब काम परमेश्वर को स्मरण करके करना प्रिय विवाह नहीं होने का कारण जानते हैं रिजर्वेशंस हमारे ही जाति का चाहिए हमारे ही प्रांत का चाहिए और क्या है पीजी किया होना चाहिए सरकारी नौकरी होने से ही चाहिए लड़का लंबा होना है गंजा नहीं होना चाहिए लड़की के विषय में होने से गोरी होना है पढ़ी लिखी होना है हमारे ही जाति की होना है हमारे ही प्रांत की होना है आते आते बताइए आप ही बताइए ससुराल में आते आते बहुत सारा दहेज लेकर आना है बहुत से कंडीशन हैं प्रियो परमेश्वर की इच्छा यानी कंडीशन रखना नहीं है प्रियो मेरी विवाह के बाद पहली बार वायजाग से अरकवेली जा रहे थे अरकवेली जाते समय मेरी पत्नी मेरे पास बैठी थी तो मैं पूछा आप कहां तक पड़े हैं बताइए जानते हैं आप इस बात को विवाह होने के बाद पूछा आप कहां तक पड़े हैं प्रियो जब मैं विवाह करना चाह इस संसार के लोग जो देखते उनमें से कुछ भी मैं देखना नहीं चाहा प्रभु आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है आज इस दिन सेवक का परिवार इतनी आशीषों को पाकर और बच्चे भी सेवा में उपयोगी हो रहे हैं तो इसका कारण जानते हैं बिना कुछ आशा किए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह करने के लिए मैं और मेरी पत्नी निर्णय लिए आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन आप अपने आप को परमेश्वर को अर्पित करना है आशा किए हैं तो एक पेपर में नीचे साइन करके प्रभु से कहिए प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा मैं जीऊंगा आप जैसे जीने को कहेंगे वैसे जीऊंगा जो करने को कहेंगे वही करूंगा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है प्रियो ये कहकर आपको कितना समय हो गया तेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है प्रिय भाई और बहन आप उद्धार पाए हुए हैं तो परमेश्वर आपको मोल लिए हैं सत्य को यदि आपने जान लिया है तो इस बात को आप कभी नहीं भूलना परमेश्वर ने जो आपको खरीदा है बहुत धन देकर बहुत कीमत देकर आपको खरीदा है सोचने से ये बेकार की बात है चांदी और सोना देकर आपको नहीं खरीदा है मसीह के लहू के द्वारा आपको खरीदा है आप बहुत 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 बहुमूल्य हैं तो फिर सुनिए परमेश्वर आपसे इतनी अपेक्षा आप के साथ परमेश्वर मोल लिए हैं तो विरोध क्यों कर रहे हैं परमेश्वर इतना अधिक कीमत देकर आपको मोल लिए हैं तो परमेश्वर को आप दुख क्यों दे रहे हैं परमेश्वर आपके प्रति बहुत सी आशाओं को करके अपने पुत्र को ही आपके लिए बलिदान किया है तो आप परमेश्वर का विरोध क्यों कर रहे हैं परमेश्वर को क्यों सता रहे हैं प्रियो कई बार माता पिता बच्चों पर बहुत सी आशाएं रखते हैं बच्चे अच्छी पढ़ाई करना है रात दिन वे मेहनत करते हैं कठिन परिश्रम करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए वे भोजन भी अच्छी रीति से किए बिना दवाइयां भी खरीदे बिना उनकी पढ़ाई के लिए हॉस्पिटल में ना दिखाकर बीमारियों को सहते हुए ही बच्चों को पढ़ाकर उपयोगी बनाना है सोचने से रिजल्ट आने से पता चलता बेटा फेल फेल हो हो गया बेटी फेल हो गई छाती पीटते हुए क्या हुआ मेरी बेटी कैसे फेल हो गई कहने से एग्जाम देगी जब तो पास होगी एग्जाम एग्जाम नहीं कैसे एक फीस के लिए तो हजारों हजारों रुपए भेजे ट्यूशन फीस के लिए हजारों हजारों रुपए भेजे वो क्या हुआ क्या हुआ क्या आपकी बेटी विवाह से पहले ही गर्भवती हो गई ये बात नहीं जानती क्या मेरी बेटी गर्भवती होना क्या है हाँ आपकी बेटी कॉलेज में नहीं पढ़ती थी हॉस्टल में नहीं रहती थी आपके भेजे हुए पैसे लेकर मन मर्जी से किसी और के साथ घुमा करती थी अंत में विवाह के पहले ही गर्भवती हो गई कौन सा पिता सह सकता है कौन सी मां सह सकती है प्रियो केवल उनके परिश्रम को बेटा और बेटी जाने बिना समझे बिना विरोधी जीवन जीकर अपने जीवन को नाश कर लेने से माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं ना और अपनी छाती पीटते हैं ना तो फिर सोचिए परमेश्वर ने क्या किया अपने पुत्र के बहुमूल्य लहू से परमेश्वर ने और आपको खरीदा है हमें अपना बना लिया है अभी आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे अभी आप मेरी मर्जी से जीऊंगा कहने से कैसे अभी मेरी इच्छा पूरी करना ही है नौकरी के विषय में शादी के विषय में विदेश जाने के विषय में सेवा के विषय में तेरी मर्जी नहीं मेरी मर्जी होना है इस तरह जिद क्यों कर रहे हैं आप अड़े रहते हैं क्यों इसीलिए तो परमेश्वर आपके विषय में किसी से कह नहीं पा रहे हैं किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं प्रिय भाई और बहन आप जिस किसी चीज को खरीदते हैं वाहन को मकान को बहुत से लोगों को दिखाना चाहते हैं वो दस हजार का हो सकता है दस लाख का हो सकता है दस रुपए का हो सकता है उसे ही इतना महत्व देकर बहुत से लोगों को दिखाना आशा कर रहे हैं तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू को देकर आपको खरीदा है वो परमेश्वर कुछ लोगों को नहीं सारे संसार को आपको दिखाने की आशा कर रहा है आपको संसार को दिखाना है तो आपको परमेश्वर के अधीन होना है जब तक आप अधीन नहीं होंगे आप संपूर्ण रूप से परमेश्वर को अर्पित नहीं करेंगे सुनिए परमेश्वर इस संसार को आपको दिखा नहीं पाएंगे क्या है सोचकर दिखाएंगे आप क्या है सोचकर दिखाएंगे आप क्या हासिल किए सोचकर दिखाएंगे प्रियो क्या आज आप परमेश्वर से इस तरह कहेंगे मेरा जीवन आदर्श नहीं है मुझे देखकर कोई भी हर्षित नहीं हो रहे हैं आनंदित नहीं हो रहे हैं गर्व नहीं कर रहे हैं ऐसी स्थिति में यदि आज आप हैं तो परमेश्वर के बुलाहट को परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के त्याग को आप अनदेखा कर रहे हैं आज क्षमा मांगेंगे क्या प्रभु मैं आपकी आशा के अनुसार जी नहीं पाया मुझे क्षमा कीजिए मैं अपने आप को पूरी रीति से आपको अर्पित नहीं कर पाया इसलिए आज मेरा जीवन कहीं का नहीं रहा यस आज आपका जीवन कहीं का नहीं रहा ऐसा होने का कारण जानते हैं आप परमेश्वर को अपना जीवन पूरी रीति से अर्पित नहीं किए हैं आज जीवित बलिदान के रूप में अपने आप को परमेश्वर को अर्पित करेंगे क्या हाँ कहने वाले मेरे साथ प्रार्थना करेंगे पवित्र परमेश्वर पिता जितने लोग पवित्र बलिदान के रूप में आपको अर्पित कर रहे हैं उन सभी को आप ग्रहण कीजिए आप कितने बहुमूल्य कीमत को चुकाकर उन्हें खरीदे हैं और वे बहुत ही कीमती हैं इस बात को वे जान सके सहायता कीजिए पिता लापरवाही का जीवन नहीं जीना है संसारिक जीवन नहीं जीना है मन मर्जी का व्यवहार नहीं करना है पिता ये लोग बहुत बहुमूल्य हैं। आपके हाथों में आने के बाद अपने जीवन को बार बार आपसे दूर नहीं करना है इस सत्य को जानकर हर एक जन पिता आज से ही आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है आपकी मर्जी ही मेरी मर्जी है कहकर अपने आप को जो लोग अर्पण कर रहे हैं एक एक जन को पिता अद्भुत गवाह बनाइए आपके बच्चे बनाकर अपने आप की महिमा लीजिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता अमीन प्रियो संदेश के द्वारा आप आशीष पाए तो और भी लोगों को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवेशन में मिलेंगे शलोम